हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। गाइस, तो गाइस आज जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जापान में जो छोटा छोटा घर है वो किस टाइप का बनता है, जापान का टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। और ये जो अर्थक्वेक जो प्रूफ होता है उसके लिए किस टाइप का लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो सब आप लोग को डिटेल दिखाऊंगा। जो जापान में छोटा छोटा घर है जो 3000 मान लग जाता है घर बनाने के लिए, 4000 मान जो इंडिया का होता है आपको कितना, 2,40,00,000 हो जाता है इंडिया का, ठीक है। तो इस टाइप का घर, छोटा छोटा घर है वो कैसा बनता है जापान में, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए गाइस, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये जो छोटा छोटा घर देख रहे हैं सामने आपको, इस टाइप का घर दिखाऊंगा आप लोग को, इस टाइप का घर कैसा बनता है, ठीक है। यही है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का नहीं दिखाऊंगा, छोटा छोटा जो घर है वो इस टाइप का बनता है जापान में, उसका पूरा डिटेल में आप लोग को दिखाऊंगा स्टार्टिंग से। तो गाइस ये जो वीडियो है ये कम से कम 3 महीना लगेगा, लग रहा है मुझे शूट करने के लिए, लेकिन मैं एडिटिंग करके आप लोग को दिखा दूंगा 15 मिनट में या 1 घंटा में, 30 मिनट में दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का घर है, ये देखिए छोटा छोटा घर है, ये देखिए सामने एक घर है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, जरा सा भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कैसा जापान में घर बनता है। जो भूकंप आता है उसमें भी ये लोग कुछ नहीं होता है घर, तो बहुत ही मजबूत बनाता है, ठीक है, यार क्विक प्रूफ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस देखिए, ये जगह पर हम लोग पहले साग निकालते थे, यहाँ से साग निकल के हम लोग बना के खाते थे हमेशा, और यहाँ पर खेतीबाड़ी भी किया बहुत पहले, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर घर बनेगा। इससे पहले जो बाजू में घर बन गया और इसमें अभी घर बन रहा है। तो देखिए देखिए, हम लोग साग ढूंढ रहा था पहले, यहाँ से साग उठा के हम लोग खाते थे, अब यहाँ पर घर बन रहा है, ठीक है। तो देखते रहिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर घर बनने वाला है, जापानीज घर, ये देखिए स्टार्ट किया है, पहले ये घर हो गया, अभी ये घर होने वाला है। तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे इस घर कैसे बनता है जापान में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, ये घर का माप किया हुआ है, अभी ये बनाया है धीरे धीरे, तो आप लोग को दिखाते रहूँगा पूरा मैं। ये देखो गाइस, पाइप अंदर डाल रहा है, बड़ा बड़ा पाइप डाल रहा है, देखो जापान का टेक्नोलॉजी भाई, देखो घर बनाने का टेक्नोलॉजी क्या है इसका। ये जितना पाइप है ना सब मट्टी के अंदर डाल देगा, फिर उसका बाद कुछ क्या करता है फिर वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, जापान का जो टेक्नोलॉजी है, आज दूसरा दिन है, कल सब ये जो पाइप दिखा था आप लोगों को, कम से कम 10 फुट का 12 फुट का जो पाइप था, ये सब पाइप देखिए इसका अंदर डाल के गया सब मशीन से, कल अपने आप लोगों ने देखा। तो ये क्या टेक्नोलॉजी यार, इनको समझ में नहीं आता, शायद जो घर जो जब अर्थक्वेक आता है वो वाइब्रेट होता है, तो उस टाइम भी वो सेफ्टी होता है, इसके लिए शायद ये अंदर डाला हुआ है। देखिए ये सब पाइप डाला हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए पाइप, ये देख रहे का ये टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और आप लोग को धीरे धीरे सब दिखाता रहूँगा, ये पूरा घर कैसे बनता है वो दिखाता रहूँगा मैं, है ना। ये देखो गाइस, ये लोग घर बनाने टाइम जो टेम्पोररी टॉयलेट बाथरूम भी बैठा रहा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर काम करेगा वो लोग कहाँ जाएगा फिर टॉयलेट बाथरूम के लिए। ये है जापान का सिस्टम, देखिए ये देखिए सब बैरिकेड दे रहा है। तो गाइस देखो, फाउंडेशन काट रहा है, ये देखो तो गाइस देखिए, इसका फाउंडेशन में सब सीमेंट वगैरह डाल दिया,
गाइस देखिए सब आ गया, सब आ गया, देखो रोड वगैरह ये देखो स्टार्ट कर दिया घर, तो देखो कैसा लग गया जाली वगैरह। सब पाना के लिए गया ये देखो गाइस, नीचे फाउंडेशन में कितना रॉड डाल रहे हैं लोग, देखिए लोहा कितना डाल रहा है भाई, इसलिए लोग का घर जो है ना स्प्रिंग होता है। ये देखो गाइस फाउंडेशन तकरीबन हो गया, ये रेडी हो गया, देखिए रॉड भी डाल के देखो गाइस इतना मजबूत स्टील का ये लोग जाली बने हैं, देखो ये देखो गाइस नीचे का फाउंडेशन में जो स्टील का जो काम है वो हो गया, उसके बाद ऊपर से ढलाई मार देगा इसको डायरेक्ट ना, ढलाई कर देगा सीमेंट और पत्थर का जो मसला होता है रेत का, ठीक है ना। तो इस टाइप का है ये लोग का टेक्नोलॉजी, देखिए गाइस नीचे फाउंडेशन में कितना स्टील लगाया, देखिए कितना रॉड डाला है। देखो गाइस बारिश हो रहा है, बारिश के अंदर लोग ढलाई कर रहे हैं। तो गाइस देखो जापान में कैसा घर बनता है, पूरा टेक्नोलॉजी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ये देखो इस टाइप का होता है यार, देखो जापान में। ये देखो इससे बांध के फिर वो पाइप से उठ के वहां पर जा रहा है डायरेक्ट।
तो गाइस देखो एक घंटे का अंदर ये लोग का देखो फाउंडेशन ढलाई हो गया। देखो एक घंटा भी नहीं लगा यार, फाउंडेशन का ढलाई तकरीबन हो गया ना। देखो कितना स्पीड का काम है, मशीन से होता है, दो आदमी का काम है। देखो देखो गाइस ये एक घंटा पहले लोग ढलाई किया, लेकिन एक घंटा में इतना टाइट हो गया। देखो अभी इसका ऊपर चढ़ के वो काम कर रहे हैं भाई। देखो ये जापान का टेक्नोलॉजी है यार, क्या केमिकल मिले यार। देखो जब ये ढलाई हो रहा था तब बारिश हो रहा था, जोर बारिश हो रहा था, पानी था चारों तरफ, लेकिन उस बारिश थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद ये लोग ढलाई कर दिया। ढलाई करने के बाद एक घंटा बाद देखो अभी ऊपर बैठ के काम कर रहा है। फिर देखो एक घंटा बाद, तो सोचो कितना क्या टेक्नोलॉजी है लोग का, क्या कुछ मिलाया है केमिकल ना। इस टाइप का होता है जापान का काम। देखो बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है लोग का। तो गाइस देख सकते हो नीचे तो ये लोग फाउंडेशन किया, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन किया। फिर से ऊपर से देखिए जो जो बीम वगैरह देगा इस टाइप का है, देखिए सेटिंग कर रहा है। तो यार एक जापान में एक घर बनाने के लिए देखो कितना खर्चा करता है और कितना कुछ सामान यूज़ करता है। बहुत ही तगड़ा खर्चा भी होता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त है लोग का। देखो ये देखो अभी ये सेटिंग कर रहा है, आज इसका ऊपर से फिर से ढलाई होगा, फिर इसका ऊपर जाके लकड़ी का टेक्चर बना के लोग घर बनाएगा इस टाइप का। देखो ठीक है ना, तो देखोगा ये लोग का पूरा सेटिंग हो गया। ये पूरा सेटिंग होने के बाद फिर ढलाई करेगा लोग, फिर ये ढलाई का ऊपर फिर ट्रेक्चर बैठाएगा जो लकड़ी का होता है वुड का, ये ढलाई का पार्ट। इसके अंदर फिर से ढलाई डालेगा। देखो गाइस क्या सिस्टम किया है, तो रॉड का साथ में फिर दूसरा रॉड भी ज्वाइन किया जो नॉट बोल्ट का सिस्टम है। ये देखो ये और उसके नीचे भी है, देखो ये पूरा वायर में देखो फिटिंग किया, ये देख रहे आपको इसमें नॉट बोल्ट सिस्टम फिटिंग किया रॉड। इसका साथ में जो ऊपर का ट्रेक्चर होगा वो ज्वाइन करेगा नॉट बोल्ट का सबसे, फिर जो है वो घर जब वाइब्रेशन होगा तब वो वाइब्रेट करेगा लेकिन गिरेगा नहीं घर, इसलिए ये सब जगह में देखो 20-20 में नॉट बोल्ट जैसा लगा कर रखा ये पूरा। गाइस देखिए आज जो है इसमें भी ढलाई हो गया, देखिए और ये जो देखिए बीच बीच में जो छोटा छोटा रॉड देख रहे हैं नॉट बोल्ट का सिस्टम, इसी में से जो ऊपर का टेक्सचर इसमें सब फिट करेगा। ये देखिए ढलाई हो गया इसमें।
लिटरेचर फिट होगा। मैं बोल रहा हूँ तो भाई देखो आज जो ट्रक चल रहा है वो तो खुल रहा है देखो। जो डाइस लगाया था वो तो खुल रहा है ढलाई से। तो गाइस ये देखिए इसका जो फाउंडेशन है कंप्लीट हो गया। और जो जापान का जो घर जो जब याद कोई आता है तब जो राइवेशन होता है ये देखिए इसका सिस्टम। ये जो रॉड लगा के रखा देखिए इसको नॉट बोल्ट लगा के सिस्टम फिर ऊपर का ट्रक्चर बैठेगा। तो इसलिए जापान का जो छोटा छोटा घर होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है सब वाइब्रेशन करते हैं। इस टाइप का लोकल टेक्नोलॉजी है गाइस। ये देखिए अभी ऊपर का काम होने वाला है सब लकड़ी से बनेगा ऊपर वुड से। और ये देखिए ये भी घर बना हुआ है। तो ठीक है गाइस वीडियो में लास्ट तक आप लोग एंड तक बने रहिए देखिए फिर पता चलेगा आपको जापान का घर किस टाइप का बनता है। ठीक है ओके।